हेलो जी मिस, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डीसी वोल्टमीटर और एमीटर जो होता है उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। दोस्तों, पैकेट में आया है कि हमारा मीटर, एक 3 वायर्स की लीड आई है, एक ये मोटे वाली थिक 2 वायर्स की लीड आई है। सिंपली यहाँ पे 5 वायर निकले दोस्तों। ये वाले जो वायर हैं दोस्तों, ये 3 वायर हैं। इनमें देखिए आपको एक रेड दिखाई दे रहा होगा, एक ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, एक येलो दिखाई दे रहा है। तो हमारे जो रेड और ब्लैक हैं दोस्तों, वो इसके पावर सप्लाई के लिए वायर हैं। तो मैं जल्दी से इनको कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, आप इस मीटर को 3 वोल्ट से लेके 20 वोल्ट तक किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको एक स्टेबलाइज्ड इनपुट चाहिए। तो इसके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप रेगुलेटर IC 7805 यूज़ करें, उसमें आपका मीटर सेफ रहेगा। उसमें फ्लक्चुएशंस को वो रोक लेगी IC, और ये मीटर आपका बर्न नहीं होगा, अदरवाइज इसमें बर्न होने के चांसेस होते हैं। इसमें पावर सप्लाई ऑन हो गई है, लेकिन अभी ये कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। हमारा वोल्टमीटर जो होता है दोस्तों, वो हमारा पैरेलल में कनेक्ट होता है और एमीटर हमारा सीरीज में कनेक्ट होता है। तो हमने पावर सप्लाई ऑन कर दी है। अब देखिए, तीसरा जो पतला वाला वायर है येलो एक पॉजिटिव की तरह काम करता है दोस्तों। इसको जैसे मैं इसी रेड पर कनेक्ट करता हूँ, तो देखिए ये इसी वोल्ट बैटरी का वोल्टेज दिखाना शुरू कर देगा। देखिए ये 4 वोल्ट दिखा रहा है दोस्तों, हमारी बैटरी के अंदर 4 वोल्ट है। अगर हमें किसी दूसरे इक्विपमेंट का वोल्टेज चेक करना है, तो हम यहाँ से एक नेगेटिव लेंगे इसी में से, और दूसरा एज ए पॉजिटिव ये कनेक्ट करेंगे, तो उस पर्टिकुलर आइटम के ये वोल्टेज दिखा देगा। आई थिंक आपको इजीली समझ में आएगा वोल्टेज को कैसे चेक करना है। अब हम बात करते हैं एम्प्स की। तो जैसे ही हम कोई आइटम इससे चलाते हैं, तो वो कितना करंट ड्रॉ कर रही है। अब मैं बात करूँगा इस मोटर की। जैसे ये मोटर है, ये मोटर अगर हम चलाएँगे इससे, तो ये कितना करंट ड्रॉ करेगी हमारी बैटरी में से, अब हम वो चेक कर लेते हैं। पतले वाले पॉजिटिव नेगेटिव हमने बैटरी से जोड़े, ये मीटर ऑन हो गया। अब ये बच गया एक येलो वायर भी एज ए पॉजिटिव वायर काम करता है जब हम किसी इक्विपमेंट को चेक करते हैं। तो इस येलो वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ मोटर के पॉजिटिव से। देखिए, ये मैं मोटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। अब हमारा क्या बच गया, मोटर का नेगेटिव वायर बच गया, और हमारे मीटर के जो 2 तार मोटे वाले बच गए। मोटे वाला ब्लैक, पतले वाला ब्लैक, दोनों नेगेटिव हैं, इंटरनली शॉर्ट हैं अंदर से। इनमें से आप एक छोड़ देंगे तो कोई इशू नहीं है, मोटा वाला छोड़ दीजिए चाहे पतले वाला छोड़ दीजिए। अब रेड जो है, उस रेड को हम मोटर के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। मैंने हमारा रेड कनेक्ट कर दिया मोटर के नेगेटिव से, और हमारा येलो वायर जो पॉजिटिव था, मीटर का पॉजिटिव बाहर निकलता था चेक करने के लिए, वो मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। अभी देखिए, ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अब मैं जैसे ही इस पॉजिटिव वायर को, येलो वायर से जो जुड़ा है, इसको हमारे बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूँ, तो देखिए अब हमारा बैटरी का वोल्टेज और ये जो मोटर हमारा करंट ड्रॉ कर रही है, वो दोनों चीज़ ये शो कर रहा है। ये कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। हमारी बैटरी का जो वोल्टेज है वो 4 वोल्ट है, और हमारी मोटर जो घूम रही है, ये जो करंट ड्रॉ कर रही है, वो है 0.01 और कभी कभी 2। आशा करता हूँ दोस्तों, मैंने जो जानकारी दी है वो अच्छे से आपको समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का हिस्सा बनिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि अगली वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए।